का हाल बा विंध्याचल बाबू, बड़ा परेशान दिखात हूँ। का बताई बाबा, हमार चंदा पिछले कुछ दिनों से गायब है। पता ना कहाँ होखी और किस हाल में होखी बाबा। रोवे पास आयल बानी ओकरा के कुछ करी बाबा, जकरा से हम उनका पास पहुंच सके। जय महाकाली, महाकाली दुर्गा काली, नमो नमः। चिंता के कोनो आवश्यकता नहीं खे, परेशान मत होखा, कारण कि चंदा के ऊपर माता रानी के विशेष कृपा हो। चंदा के क्यों कुछ ना बिगाड़ सकेला। जहां जौने हाल में रहे एकदम खरा सोना करना दमकत रहे। और ये बात के साक्षी ये सब गांव वालन होखी। एक दिन ये गांव वालन चंदा के देवी के समान पूजा करी है। जाओ विंध्याचल बाबू, निश्चिंत हो के अपने घरे जा, चंदा सुरक्षित और सकुशल घरे आई जाए। है विश्वास, बोल माता रानी की जय। माता रानी की जय। जय माता, जय माता। कल्याण, कल्याण। जी बाबा जी। भैया जी तो चिंता मत करा, बस एक बार चंदा के मिल जाए द, फिर ओकरा बाद हमनी के ओकरा छोड़ल ना जाए। जे चंदा के गायब कैला है ओकर हाथ गोड़ तोड़ के जमीन में जिंदा ना गाड़ देली तो हमार नाम श्याम बिहारी ना है। श्यामू छोड़ब तो हमू ना होंगे, एक बार पता तो चले कि के रहे। लेकिन श्यामू हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमके चंदा से आराम से बात करे के चाहत रहे, हमके गुस्सा में आके चंदा के इना बोले के चाहत रहे कि हम श्वेता से ब्याह करे जाते। हमके मालूम है ओके ये बात का दुख लागल और वो घर छोड़ के चल गई। भैया जी अब काहे पछतात होबा, ये बात तोरा के पहले सोचे के चाहत रहल है। तोरा के अच्छी तरह से पता है चंदा तो के अपन सब कुछ माने ली, और तू ही चंदा से ऐसे बोल देला बेचारी के दिल पे का बीतल होखी। खैर छोरा, जौन किस्मत में लिखल होखेला उहे मिलेला। श्यामू देखो हम पहले से ही बहुत परेशान हैं, हमके ये सब बात बोल के और परेशान मत करो। और हाँ हमके ज्यादा ज्ञान मत बांटा, हमके सब पता का ठीक बा का ठीक नहीं खे। हम ज्ञान ना बांटा थे, हम तो जौन सही है वह बतावत है। रउआ के अपने दिल में चंदा के जगह श्वेता के लियाबे से पहले कम से कम एक बार तो सोचे के चाहत रहल हा कि एकर का परिणाम हो सकेला। खैर जाए दे, जौन बोले हुआ वह तो काटे के पड़ी। देखा श्यामू का सही है का गलत है वो हमके अच्छे से पता है, फिर हम कहते ही हमार दिमाग खराब मत करा, ना तो हम अकेली चल जाए चंदा के ढूंढे खातिर। अगर तोरा के गलत सही के इतने ज्ञान होखत था चंदा की तू अपने से दूर कबो जा ही न देता। अरे तोरे आंख के सामने तो श्वेता अपन नाम के काला पट्टी बांध दिले है, तोरा के सही और झूठ में फर्क कैसे पता चली। माधव भैया, माधव भैया, राजेश के पता चल गई है। कहा कहा बाबू? भैया दूसरे गांव में लुकायल हवल, चली हमरे संग। चल श्यामू तू ना पुलिस के जल्दी से फोन करके बतावा कि राजेश बगल के गांव में छुपल हो, तब तक हमने लोग चलते हैं। चलो अब आओ बैठो। हाँ पुलिस स्टेशन, हम श्याम बिहारी बोले थे। आज जल्दी से बगल के गांव में पहुंची, राजेश मिल गया हुआ।
माधव बाबू। अरे चंदा, तू बगल के गांव में बाड़ू, जहर खाके रास्ता में बेहोश गिरा रहलू, उ ताके हम यहाँ लेके आईनी। आई जोन अरुणा चाची बाड़ी ना, ई तुहार इलाज करके तुहार जान बचौली, आ शुक्र मनावा कि हम ओजा पहुंच गए नी, ना तो पता ना तुहार का दशा भई रही। हाँ, हम श्वेता से ब्याह करल चाहता ही। जान बचौली मर जाए दिले रहती हमरा के। ऐसा मत कहा चंदा, तहार अम्मा तहरी दादी पर का गुजरत हुई, तू इतना दूर जान बाड़ी। का मतलब भैया जी, ये जगह हमरा गांव से बहुत दूर है का? हाँ। हमरा की जल्दी से घर छोड़ दी भैया जी, चलिए ना, चलिए। थोड़ा रुक जाओ भैया, तुहार तबीयत ठीक हो जाएगा फिर चल जाइए। आ देखा चंदा, हम तबीयत से बार बार तहरी दादी के फोन लगाओ तनी, लेकिन का करी, नेटवर्क में नहीं लागत, हम बार बार फोन लगा के परेशान हो गई बानी। चाची तू जा, चंदा के दवाई के इंतजाम कर। सुनो, अरे दो मिनट रुका, तारा सब पता चल जाएगा। हम तो रापा नहीं राजी। माता बाबू, माता बाबू, माता बाबू। चंदा, लगातार माधव के देख के तार मन के इरादा बदल गए। अरे अभी कुछ देर पहले तो कहत रहलू हो कि तुम्हारा जिंदगी में हमरा सिवाय केहू दूसर ना बा। ये का बकवास करत हुए, तुम्हार दिमाग खराब है का? तू कितना दुष्ट आदमी हो, तू अभी तक ना सुधरला। माता रानी तोरा के बहुत बार सजा दी है, बहुत बार सजा दी है, बहुत बार सजा दी है। चंदा, चंदा, एक तो कानून सजा दी। दरोगा बाबू, एकरा के ले चली और ले जाके थाने में 10 घंटा मारम ना, एकर कुल दिमाग ठिकाने आ जाई। बहुत बड़ दुष्ट आदमी हुए ही। हवलदार पकड़ा एकरा के। ना चंदा, रुआ मत, हमके मालूम है हिम्मत और कोनो दोष नहीं के। देखा इनकरा को लाजो नहीं लगा दे बा।
अपने भोली सूरत का फायदा उठा के राजेश के अपने जाल में फंसा ले ले हैं और काम निकल गल है तब पुलिस में शिकायत करे आ गए हैं। सही कहे था बहन, ऐसा लड़की के वजह से तो समाज में बदनाम होखला। सीधा आदमी ऐसा लड़की के चक्कर में पड़ के फंस जालन। तो नहीं लोगों के पास अगर काम धंधा नहीं है इज्जत तमाशा देखे मत आई जाओ। तू इन्हीं लोगों के बात पे ध्यान मत दो, आओ हमारे संग। चंदा, इंस्पेक्टर साहब के सब सच सच बता दें, कल तोरे साथ काका भाई लगे, डरा मत, हम है ना। माता बाबू, जब रहुआ हमरा से ब्याह करे खातिर मना कह देली, ओकरा बाद हम सोच ली कि हमरा जिए का तो कौनो मतलब नहीं की, फिर हम धतूरा खा ले ली और ओकरा बाद हम बेहोश हो गई ली और उसके बाद हमरा के कुछ याद नहीं कि हम दूसरा गांव में कैसे पहुंच गई थी। जब हमारा आँख खुलल तो हम देखने की ये राजेश हमरा सामने खड़ा हुए और आप लोगन के आवे से पहले ये हमरा के पहिर कहत रहलन, लेकिन जैसे ही ये आप लोग आई नहीं वो हमरा संगे बदतमीजी करत रहलन। तो पगला गल रहे लुका, ये सब करे के का जरूरत रह। अम्मा, आप तोरा से पहले ये कह चुकल है कि अगर हमारी शादी माता बाबू से ना होगी तो हम अपन जान दे दे। जी के क्या कह रहे हो पापा, क्या कह रहे हो? हमरे थाना में आके हमरे सामने लड़की छेड़ा था, एक तो का किडनैप कर ले रहे तो के शरम नाम नहीं खे, अपने आप के गुंडा समझता का? अरे दरोगा साहब, चंदा अपनी मर्जी से हमरे साथ गई रही, यकीन लिखा उतना तो इनके घर के तलाशी लेके देख ली। अरे इनके ब्याह खातिर हम गहना और मंगलसूत्र बनवा के देले बानी। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोलता हुए हमारे पास इनका जेवर है, लेकिन हम इनकरा से किस्त पे खरीद ले हैं ताकि बाद हर चंदा के ब्याह में पहना सके। काम हो गया रमा दीदी? अरे रुक्मिणी आओ, बैठा बैठा बैठा। रुक्मिणी इके हूँ। दीदी, हम रुआ खातिर एगो खुशखबरी लेके आयल बानी। ई राजेश भैया हूँ मैं और सबके ये ब्याज पे पैसा देवेला और जे अपन जीवन ना छुड़ा सकेला वो जेवर के ये कम दाम में देवेला। रुआ के याद है चंदा के जेवर खातिर हमसे काले रानी है, यही नाते हम इनकरा के आपके पास लाए। अच्छा, हाँ, ये हमसे जेवर खरीदे के बात करे आई रही। हम इनसे पूछनी कि जेवर के खरीदता तही चंदा के नाम लेली। हमरा बड़ी खुशी भइल, हम चंदा के जानी लें वो बहुत अच्छा लेके है। अब रउआ उनकी जेवर की चिंता कैला के ना कोनो जरूरत नहीं है। हाँ, जितना भी पैसा के इंतजाम होके रउआ दे दी, आप बाकी के पैसा धीरे धीरे दे दें। इली इबा जेवर। एक मिनट रुकी, हम अब भी आ गए। दादी,
चंदा देखात नहीं की। अरे जानत हो ओकर पैर घर में कहाँ टिकेला, वो जब देखा था माधो माधो करत है, हो सका था कि माधो के घर चल गई हो। अभिन आप ये ले ली और बाकी का हम किश्त में दे दे। जी जी ठीक बात, कौनो बात। इंस्पेक्टर साहब, ये हमने के फसावे के खातिर कोनो साजिश करा था। वो दिन भी हमरा से झूठ बोल के अपन घर ले गई। हमरा से बोललस कि अपन अम्मा से हमरा के साड़ी दिलवाई और पूजा करवाई। जब हम वहाँ पहुँचनी तो हुआ कोनो ना रहल। ओकरा बाद कि हमरा से बदतमीजी कैलस, वो तो माता रानी का कृपा रहल कि एकरा के मिर्गी का दौड़ा पर गई, तो हम केहू के मुंह दिखावे के लायक ना रहती। अब हमके सब समझ में आ गए राजेश, तो के हम छोड़ब ना, थाना में उल्टा लटका के रखा। माधव बाबू आई हमारे साथ। माधव बाबू रुआ इन लोगों के लेके घर जाए, चाहे खातिर ये मामला बहुत टेढ़ा बा। किडनैपिंग और आत्महत्या दोनों मैटर बा। हम पूरा कोशिश करब कि राजेश के ई जुर्म कबूल करवाबे। अगर जैसा कुछ भी हो रुआ के हम फोन करब, रुआ थाने पे आ जाए। जी इंस्पेक्टर साहब ठीक बानू। जी चल। चंदा चला हमारे साथ, श्यामू सबके लिए क्या हुआ आओ। बेटी गैल साड़ी ले और माई गए जेवर, आपका हुई सच्चाई का जाना था। ये बात तो काय घुमा भाई। सही कहते तो भैया, अपने बड़कई के दम पे ये लोग एक आम आदमी का फसाबंद होए जा, ये नाइंसाफी है ना। अरे हमने कैसे मान ले बन जाए कि राजेश दोषी हवन और चंदा साफ पाक। बहुत हो गया टोनी लोगों का, अगर अब एक शब्द भी बोलना जाना तो ठीक ना। ये बात का तो पूरा गांव पता बा कि चंदा और राजेश के बीच में खिचड़ी पकड़ी ला। राजेश के साथ फटफटी में बैठकर यहाँ वहाँ घूमत रह ला। तब कहाँ रह ला तू, बड़ा आयल बा ओकरा को जेल भेजेल। भगवान खातिर चुप हो जा सब। हमार चंदा ऐसा नहीं खे। तो कैसन है ये तो बताई माधव बाबू, अ तोहरा के कहने से ता इनके पवित्रता के सर्टिफिकेट ना मिल जाए, ये तो इन्हीं के साबित करी के पड़ी। देवी सीता मैया के भी अपन पवित्रता साबित करे के खातिर अग्नि परीक्षा दे रहे। चंदा का है एगो मामूली इंसान का ई दी है अग्नि परीक्षा। रउआ गांव के तो पुरानी परंपरा जानत है का चंदा देवी माँ के मंदिर के सामने आके अंगारी पे चल के अपन पवित्रता साबित कर पहियन। तहु ना बहिन का बात करो, तो हम बताओ तनी ना, ई आग पे चलिया तो भस्म हो जाइया। बस अब अग्नि परीक्षा देवे खातिर तैयार है। हम आग पे चले खातिर तैयार है, चाहे ओकरा बाद हम जल के भस्म काहे ना हो जाए।